नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन 3 अहम कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। मीडिया की माने तो इस नए घटनाक्रम के बाद पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुछ महीने पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि पुतिन कैंसर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हालांकि अभी तक रूस की मीडिया की तरफ से इन खबरों को लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। नवंबर में पुतिन की सीढ़ियों से गिरने की खबरें भी सामने आई थी। कुछ दिनों पहले पुतिन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह मर्सिडीज चलाते हुए उसी पुल से गुजर रहे हैं जिसे यूक्रेन ने ब्लास्ट कर दिया था। पुतिन ने हाल ही में मीडिया के साथ होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल कर दिया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए वो मौका थी जिसमें वे अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों को दुनिया के सामने ला सकते थे। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच ये मीडिया कॉन्फ्रेंस रूस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इस दौरान माना जा रहा था कि पुतिन से यूरोप की सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे जा सकते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन ने उस अवसर को गंवा दिया जो उनके लिए काफ़ी अहम था। अधिकारियों और जर्नलिस्ट का कहना है कि पुतिन कड़े सवालों का सामना नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये सवाल उन्हें असहज कर सकते थे। लेकिन पुतिन जो अनुभवी राजनेता हैं, जो खुद को ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जो रूस के आदर्शों में काफ़ी यकीन रखते हैं, पुतिन मानते हैं कि पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका पूरी तरह से भ्रष्ट है और उसने अपने पारंपरिक और क्रिश्चियन आदर्शों को छोड़ दिया है। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो शायद पुतिन उसी बहस को आगे बढ़ा सकते थे और देश की जनता की सोच को सामने रख सकते थे। पुतिन ने इसके साथ ही अपना सालाना कार्यक्रम डायरेक्ट लाइन को भी कैंसिल कर दिया है। इस प्रोग्राम के जरिए एक आम रूसी नागरिक को मौका मिलता है कि वह पुतिन से सीधे सवाल कर सके, वह अपनी समस्याएं राष्ट्रपति के सामने रख सकता है और उनसे शिकायत कर सकता है। पुतिन कई बार इस कार्यक्रम के जरिए फ़ोन पर मौजूद अपने नागरिक की हर समस्या को सुलझाने का वादा करते आए हैं। साथ ही वह ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी अफसर नागरिकों के सामने बाधाएं ना पैदा करें बल्कि सही समय पर उसे सुलझाएं। साथ ही देश सरकारी, आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक और दूसरे फायदों को जनता तक पहुंचाए। इस कार्यक्रम में आने वाली फ़ोन कॉल्स की स्क्रीनिंग भी की जाती है। पुतिन कभी इस कार्यक्रम को लेकर परेशान नहीं होते हैं। ये आयोजन ऐसे समय पर हो रहा था जब यूक्रेन में युद्ध जारी है। डायरेक्ट लाइन के जरिए पुतिन सेना और अपनी नीति को पूरे देश के सामने रख सकते थे। पुतिन साल 2011 से आईएस हॉकी के सालाना खेल में हिस्सा लेते आ रहे हैं। वह इस दौरान आम जनता और दुनिया को ये संदेश देते हैं कि वो भी बाकी लोगों की तरह ही स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, लेकिन इस बार वो इसमें भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इन कार्यक्रमों से दूरी बनाने के बाद पुतिन के स्वास्थ्य पर कई तरह की बातें हो रही हैं। मीडिया का एक वर्ग कह रहा है कि पुतिन को कैंसर है और वो भी कोलोन कैंसर से जूझ रहे हैं। इस वर्ग की माने तो ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। ऐसे में पुतिन के पास बहुत कम समय बचा हुआ है जब वे यूक्रेन युद्ध को निष्कर्ष तक ले जाएं। साथ ही उन्हें अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान करना होगा। फिलहाल पुतिन के बाद रूस की सत्ता कौन संभालेगा इसे लेकर बस अटकलें ही लगाई जा रही हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।